जुलाई को पूरे देश में खासकर योगी के यूपी में बड़ी धूमधाम से बकरीद मनाई गई। बिना कोई नियम तोड़े, बिना किसी उपद्रव के योगी सरकार की गाइडलाइंस पर चलते हुए ये त्योहार संपन्न हुआ। कुर्बानियां भी दी गईं क्योंकि बकरीद यानी कि ईद उल अजहा इस्लाम धर्म का जो दूसरा सबसे प्रमुख त्योहार है उसमें मान्यता ही यही है कि इस्लाम धर्म के लोग इस दिन मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और फिर जानवर की कुर्बानी देते हैं। लेकिन योगी के यूपी में एक अनोखी कुर्बानी देखने को मिली। सीतापुर जिले के एक मुस्लिम परिवार ने बकरीद का त्योहार अपने धर्म के लोगों से अलग, काफी अलग अंदाज में मनाया। इस कुर्बानी के नए अंदाज को आप जानेंगे तो यकीनन आप भी इससे प्रेरणा लेना चाहेंगे। दरअसल मामला सीतापुर शहर के मोहल्ला ग्वाल मंडी का है, जहां मेराज अहमद पशु सेवा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बकरीद पर बेजुबान पशु की कुर्बानी भी दी और किसी का खून भी नहीं बहा, किसी बेजुबान पशु की जान भी नहीं गई। मेराज अहमद ने बकरीद के खास मौके पर प्रतीकात्मक बकरे का केक बनवाया और उसको काट कर कुर्बानी की रस्म अदा की। मेराज अहमद ने इस मौके पर आम जन से भी अपील की कि इस बकरीद के पर्व पर किसी पशु की कुर्बानी बिल्कुल न दें। किसी का जीवन खत्म करने का हक अल्लाह ने किसी मनुष्य को नहीं दिया है, क्योंकि सबका जीवन अनमोल है। मेराज ने कहा, समाज में सर्वोच्च सोच रखने की अब जरूरत है। साल में बकरीद के त्योहार पर हजारों लाखों रुपए का बकरा खरीदकर उसकी कुर्बानी दे दी जाती है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं देखता कि समाज में कितनी गरीबी है। हालात ये हैं कि गरीबी के चलते लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए कुर्बानी के तरीके को बदलना चाहिए और उसकी जगह अब गरीबों की मदद करनी चाहिए। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों से बकरीद के इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की तस्वीरें सामने आती रही हैं। उत्तर प्रदेश में बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बकरीद से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की थी। मेराज अपने जिले में पशुओं की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। मेराज अहमद का कहना है कि अल्लाह ने सबको अनमोल जीवन अता फरमाया है, किसी का जीवन खत्म करने का हक अल्लाह ताला ने किसी मनुष्य को नहीं दिया। इस्लाम में कुर्बानी का मतलब हर दिन के त्याग से है। जो लोग बीमार हैं उनके उपचार के लिए हमें आगे आना चाहिए। गरीब बेटियों की शादी के लिए हम एकजुट हों। इसी तरह रक्तदान कर हम लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं, ये भी कुर्बानी है। आपको बता दें, बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार का साफ निर्देश था कि कोई भी बकरीद पर कुर्बानी का फोटो या वीडियो वायरल ना करे। कहीं पर भी कुर्बानी की फोटो या वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाले पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद मेराज ने इतने अनोखे ढंग से बकरीद का त्योहार मनाया। आप मेराज की बकरीद मनाने के अंदाज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।